ब्लॉक के सारे सदस्यों की तरफ से हार्दिक बधाई देते हैं और शुभकामना भी देते हैं। इन्होंने ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं मानवता के लिए, मानवता की सेवा के लिए, और ये बहुत ही पुण्य कार्य है। और इनके बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में मुझे अपने सहयोगी डॉक्टर मनीष से पता चला कि ऐसे ऐसे यहाँ पर हो रहा है, जो विक्षिप्त महिलाएं हैं या जिनको हेय दृष्टि से देखा जाता है, उनके लिए ये संस्था काम कर रही है। तो हमें भी बहुत ही अच्छा लगा और मुझे भी लगा कि हाँ, हम लोग भी कुछ हिस्सा है। दिवाली मनाने का इससे बड़ा सुंदर काम और कुछ नहीं हो सकता है, जो कि मानवता के सेवा में हम लोग भी सहभागी बन रहे हैं, इससे बड़ा खुशी की बात। डॉक्टर मनीष जी, ये बताइए कि आपको कैसे ये आपके मन में आया कि नहीं हमको भी बाई प्रोफेशन मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म होता है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो रोगी हैं या जो भी व्यक्ति हैं, यह मानसिक रूप से ग्रसित हैं, और मानसिक रूप से ग्रसित जो व्यक्ति होता है वह इतना दुर्लभ होता है कि ना उसको खाने का, मतलब कि क्या ठंडा खा रहा है कि गर्म खा रहा है, कहाँ रह रहा है, क्या पहन रहा है, उस स्थिति का पता नहीं लगता है। वह कूड़ा कचरा में रहेगा, वहाँ से उठा के खा लेगा। तो इस तरह के ये रक्सौल में आया, इसके लिए इन लोगों के आप रक्सौल में आने से क्या फायदा? रक्सौल में आने से फायदा होगा कि जितने भी रोड पे ऐसे बेवस लोगों का रखा जाए, ये रक्सौल में पहली बार आया हुआ है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? रक्सौल में पहली बार आया हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस संस्था का, क्योंकि रक्सौल में इसका जरूरत था। रक्सौल में बहुत सारे मानसिक विचित्र लोग जो हैं घूम रहे हैं सड़कों पे या जगह जगह पे, और वहाँ से रेस्क्यू करके ये लोग लाता है, उसका इलाज कराता है, सेवा कराता, खाना पीना रहने की व्यवस्था करता है। यह एक बहुत बड़ी बात है, और सारे बुद्धिजीवी लोगों को और जितने भी संगठन हैं, मैं सबको यह कहना चाहता हूँ कि वे लोग आगे आएँ और इनका सहयोग करें भरपूर, क्योंकि दूसरे किसी का सहयोग करने से बहुत बड़ा सहयोग इनका करना होगा, क्योंकि वे इस स्थिति में है कि जिस स्थिति में कोई नहीं रह सकता है। गरीब आदमी तो अगर भूख लगेगा तो कमा के खा सकता है, लेकिन इनको ही पता नहीं है भूख क्या होता है और गरीबी क्या होता है, रहना क्या होता है, पहनना क्या होता है, सोना क्या होता है, कुछ मालूम नहीं है इनको। ऐसे लोगों को तो लोग पत्थर मारते हैं। वो जो मारते हैं वे उनकी मतलब सोच है या गलतफहमी है, इसको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार के लोग हैं और उनके साथ क्या व्यवहार करना है, क्या उनके साथ अच्छा करना है। अभी हमारे आने का यहाँ मकसद यही था कि हम लोग सभी लोग मिल के आए हैं और इनको यथाशक्ति अपने अनुसार वस्त्र और कंबल या मिठाई, जो भी हम लोग दीपावली सेलिब्रेट करना चाहते हैं इनके साथ। हाँ, लोग होली मिलन समारोह करते हैं, हम लोग दीपावली मिलन समारोह करने आए हैं, ठीक है। इसलिए और यह संदेश रक्सौल को देना चाहते हैं कि जितने भी बुद्धिजीवी लोग, नेताजी लोग, चाहे जो भी लोग हैं ना, ऐसे लोगों का सेवा करें। वोट के समय केवल 10 लोगों को घुमाने से अब 500 नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि अपने पीछे 10 को खिलाते हैं, रखते हैं, ये फेस्टिवल में, वो फेस्टिवल में लोग को देते हैं, वो अच्छा चीज़ है, कीजिए, लेकिन ऐसे लोग को जरूर कीजिए। जितनी भी सामाजिक संगठन है, संस्था है, उस सबको मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जरूरत अगर किसी को है अभी रक्सौल में सेवा करने का, सहयोग करने का, तो इनको सहयोग कीजिए, क्योंकि वे ये ऐसे एक प्राणी है जिनका अपना केयर करने का मतलब कि समझ नहीं है कि हमको रहना कैसे है, खाना कैसे है, कपड़ा कैसे पहनना है, कपड़ा पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे, ये भी सहूल नहीं है। तो इस वैसे लोग को देखना ज़्यादा जरूरी है जो सक्षम है और मतलब कि दिमाग रूप से अच्छा है, वह अपने खाने की व्यवस्था कहीं से कर सकता है, लेकिन ये तो अपना व्यवस्था नहीं रुकना। आप अपने दिवाली का मोस्ट इम्पोर्टेंट दिन यहाँ मनाने का क्या मतलब आपको? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद मनीष को देना चाहूँगा, उसके बाद इस संस्था को। इस संस्था के बारे में मुझे पता ही मनीष के द्वारा चला है, और ये बड़ी खुशी की बात है कि इस छोटे से शहर में भी इस तरह का संस्था काम करने जा रही है। लोगों की सेवा, ह्यूमन जो आदमी है, सिविलाइज जानवर ही है, लेकिन सिविलाइज है। सिविलाइजेशन का मतलब होता है कि कपड़ा पहनना, खाना, रहना, घर, ये सब उसका बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये सब चीज़ें हर किसी को मिलता है। जो लोग इस तरह के जो मेंटली रिटार्डेड हैं या जो भी जिस कंडीशन से भी अपना केयर नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी हमारा समाज का जिम्मेदारी है इनको इस तरह की सारी सुविधा दी जाए, इनका केयर किया जाए। और हर आदमी का फर्ज है, यहाँ जितने लोग हैं अपने लेवल पे जो सहयोग कर सकते हैं वो करें। मैं संस्था के जो भी हैं, यहाँ जो भी केयर टेकर हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जब ज़रूरत हो संस्था को अगर किसी फंड की, किसी तरह की, हमसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा। हमारे लेवल पे जो सहयोग होगा मैं करूँगा। मेरा यहाँ KD मेमोरियल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर है। संडे मैं आता हूँ रक्सौल, बाकी दिन मैं मोतिहारी में
अपना सर्विस देता हूँ। मेरे तरफ से मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत कुछ सहयोग करूँगा, जो मुझसे बनेगा मैं सहयोग करूँगा, क्योंकि सिविलाइज होने का मतलब यही होता है कि अपने समाज को भी सिविलाइज रखना है, अपने समाज में जो अपना केयर नहीं कर सकते हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, उनके लिए भी कुछ करना है। तो इसलिए जो मुझसे सहयोग होगा मैं करूँगा, और मैं मेरे भी और भी ग्रुप के डॉक्टर साथी हैं जो लोग हैं, संभव हो तो मैं उन लोग को भी कोशिश करूँगा कि इसमें सहयोग करें, संस्था को जो डोनेशन दे सकें। बेसिकली ये मुझे लगता है कि महाराष्ट्र बेस्ट संस्था है, महाराष्ट्र जो सिस्टर कुरी है वो महाराष्ट्र की है, ऐसा मुझे लग रहा है। मैंने अपनी MBBS की पढ़ाई वहीं से करी है, और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हर तरह के चीज़ों के लिए महाराष्ट्र में, बेसिकली महाराष्ट्र में इस तरह का संस्था होने का एक रीज़न ये भी कि वहाँ फंड देने वाले बहुत लोग हैं, वहाँ इकोनॉमिक कैपिटल है अपने देश का, बहुत सारे लोग डोनेट करते हैं, इसलिए इस तरह का संस्था चलाना संभव भी हुआ है। हमारे शहर में आप लेके आए हैं, हम लोग से जो सहयोग बनेगा हम लोग कोशिश करेंगे अपने तरफ से सहयोग करने का। और एक बार और संस्था को भी धन्यवाद और मनीष को भी धन्यवाद कि वो इस तरह की चीज़ों के लिए लोगों को जोड़ रहे हैं। सुबह में बोले हैं कि इसी वहाँ संस्था है, हम लोग सब लोग चलना है, तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा है। और मानव सेवा सबसे बड़ा सेवा धर्म होता है, बात समझे ना। ये भी किसी के माँ किसी के बहन होगी तो हम तो मैंने उसको कोसते हैं कि जिनके ये बच्चे होंगे और इनका सेवा नहीं करते हैं छोड़ दिए, और ऐसे ऐसे आदमी को ये लोग सेवा कर रहा है, इसमें हम लोग काफ़ी सहयोग देना चाहिए। धन्यवाद। सबसे पहले आज ये दीपावली के शुभ अवसर पर हम थैंक्स बोलेंगे इस माहिर ममता निवास के जो फाउंडर डायरेक्टर सिस्टर लूसी कुरियन हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद बोल रहे हैं कि बिहार में उन्होंने ऐसे कार्यक्रम को शुरू किए हैं। और बहुत धन्यवाद दे रहे हैं मनीष सर को, उनके पूरे टीम को, कि इस दीपावली के अवसर पर सर आप लोगों ने सोचे कि इस महोत्सव को इनके बीच में मनाएं, जो बेसहारा लोग हैं। ये बहुत बहुत ही एक अहम भूमिका है आप लोगों की, इसके लिए हम फिर से माहिर ममता, ये फुटबॉल क्लब के जो मेंबर्स हैं, फुटबॉल क्लब्स के जो टीम लोग हैं, इनको भी हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि ये आप लोग इस बेसहारा लोगों के बारे में सोचे और इनके लिए इस दीपावली के पर्व को मनाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।